पाकिस्तान में हर चौथा बंदा डायबिटिक है। दुनिया में पाकिस्तान इस टाइम तीसरे नंबर पे है। आप अगर बीमार हैं तो आप एक बर्डन है, बेसिकली आप एक बोझ बन जाते हैं अपनी कौम के लिए। डायबिटीज की बेसिकली 11 के करीब पैथोफिजियोलॉजीज अभी तक हम अंडरस्टैंड कर सके हैं। मेरे पास पिछले सालों में बहुत सारे लोग क्लिनिक पे आते हैं और ये पूछते हैं कि क्या हम रोजा रख सकते हैं कि नहीं। हर पेशेंट के लिए जवाब अलग होगा। आपकी डायबिटीज का डायरेक्टली तलक आपके वेट के साथ है। रोजा खोलने के लिए मेरा मशवरा अपने पेशेंट्स को हमेशा ये होता है कि आप सिर्फ एक खजूर से रोजा खोलें, और वो आला आप ये समझे कि जैसे कोई फरिश्ते हमारे साथ बैठे हैं, हमें नोट करते रहते हैं, वो हमारी शुगर लिखता रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपके सामने ऐसी पर्सनैलिटीज़ को लेके आते हैं जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई वैल्यू ऐड करें और आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। आज हमारे साथ डॉक्टर नुमान रफ़ी साहब मौजूद हैं। ये इंटरनल मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और इसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, यानी पब्लिक हेल्थ में इन्होंने मास्टर्स भी किया हुआ है। हम इनसे जानेंगे कि अभी हाल ही में इन्होंने अपनी जो किताब लिखी है डायबिटीज़ एंड रमज़ान, यानी कि ज़ियाबतीस और रमज़ान, इसमें इन्होंने क्या चीज़ें मेंशन की हैं और ये इसके ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, इसकी तहरीक इनके अंदर कब पैदा हुई कि मैं एक ऐसी किताब लिखूं जो रोज़ा रखने वाले मुसलमानों को हेल्प आउट करे, उनको एक गाइडलाइन फ्राहम करे कि कहाँ पे उन्होंने स्टार्ट करना है और कैसे उन्होंने एंड करना है, क्या वो रोज़ा रख सकते हैं और क्या खदशात हैं, क्या खतरात हैं इसके। ये सारी बातें इस इंटरव्यू का हिस्सा बनेंगी, हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नुमान रफ़ी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम अली, मैं बहुत ठीक ठाक, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन का हमेशा की तरह बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग जो इस ज़माने में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और जो आपका स्लोगन है लेट्स पे बैक, तो मैं उसका आप लोगों को ट्रिब्यूट भी पेश करता हूं और मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा बनने पे अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूं। बहुत शुक्रिया सर। सर मुझे ये बताइएगा कि डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो स्टैट्स और फिगर्स जो हमारे पास हैं पाकिस्तान के बारे में वो तो बड़े अलार्मिंग हैं, यानी कि 100 में से 17 जो लोग हैं वो डायबिटीज़ के करीब करीब हैं या डायबिटीज़ का शिकार हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक काम जो होने जा रहा है या हो रहा है, इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है इस टाइम पाकिस्तान में। ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में जो डायबिटीज़ की प्रेवलेंस है वो 17% है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में खड़े होकर किसी एक इलाके में जाएँ और आप उनको जाकर सिर्फ इतना पूछें कि वो घर हाथ खड़ा कर दे जिसका कोई फैमिली मेम्बर डायबिटिक नहीं है, मेरे ख्याल में आपको उस मोहल्ले में कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जिसमें कोई एक ना एक पेशेंट डायबिटिक ज़रूर हो। चलें हम इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, अगर उस पेशेंट या उस मोहल्ले में कोई ऐसा घर ना भी हो, अल्लाह करे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेहतमंद रहें, लेकिन उस मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा घर ज़रूर होगा जिसका रिलेटिव ज़रूर डायबिटिक है। सो प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ इन पाकिस्तान इज़ हर चौथा बंदा, सही, पाकिस्तान का हर चौथा बंदा। अच्छा, अब सेहतमंद माशरों के लिए अली सेहतमंद होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो आप कौमी तरक्की में अपना हिस्सा नहीं डाल सकते। आप अगर बीमार हैं तो आप एक बर्डन है, बेसिकली आप एक बोझ बन जाते हैं अपनी कौम के लिए। आपके ऊपर गवर्नमेंट को स्पेंड भी करना पड़ेगा, आपके ऊपर दवाइयों का खर्चा भी आएगा, आपके ऊपर डॉक्टर्स की फीसें भी आएंगी, आपके ऊपर दवाइयों का और टेस्टों का बोझ पड़ता जाएगा। और अगर आप बीमार हैं तो ना तो आप अपनी फैमिली रन कर सकते हैं और ना खुदा ना खास्ता आप कौमी तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। सो सेहतमंद होना माशरे के लिए, मुल्क के लिए और घर के लिए ज़रूरी है। डायबिटीज़ इस टाइम की पाकिस्तान में एक पेंडेमिक सिचुएशन इख्तियार करती हुई बीमारी है। पाकिस्तान में हर चौथा बंदा डायबिटिक है। दुनिया में पाकिस्तान इस टाइम तीसरे नंबर पर है, चाइना और इंडिया के बाद। अब उनकी आबादियाँ हमसे बहुत ज़्यादा हैं, अदरवाइज़ अगर हम जिस तरह से चल रहे हैं खुदा ना खास्ता तो शायद हम उन्हें भी क्रॉस कर जाते। अनफॉर्चुनेटली सबसे अलार्मिंग चीज़ इस टाइम जो मैं बताने लगा हूँ वो है पाकिस्तान की नौजवान पॉपुलेशन। हम नंबर वन पे हैं दुनिया में जिनकी यंग पॉपुलेशन डायबिटिक हो रही है। ये इंतहाई अलार्मिंग और इंतहाई ऐसा काम है जिस पे हमें काम करना पड़ेगा। सर मुझे ये बताइएगा कि अभी हम इसके सोल्यूशन की तरफ बाद में आते हैं कि इसकी वजह क्या है,
क्यों यंग जो 25 से 30 के एज ब्रैकेट में है ये लोग डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा इसके बढ़ने की क्या वजह है? अली, डायबिटीज़ की बेसिकली 11 के करीब पैथोफिजियोलॉजीज अभी तक हम अंडरस्टैंड कर सके हैं, यानी साइंस ने अभी तक उसकी 11 वजह हमें बताई हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें वो प्योरली मेडिकल हैं, कुछ सोशल हैं और कुछ जेनेटिकल हैं। जेनेटिक से मुराद ये है कि जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है उनके अंदर कुछ जीन्स ऐसे आ जाते हैं और वो जीन्स बच्चों में ज़्यादातर पैंक्रियाज के अंदर से इंसुलिन को सिक्रीट होने में थोड़ा हिंड्रेंस कॉज करते हैं। तो ये जेनेटिक फैक्टर एक है। दूसरा फैक्टर है बहुत सारे अंदरूनी अज़ा कमज़ोर पाए जाते हैं और वो भी जेनेटिक से रिलेटेड है। और जो सोशल जिसपे हम सबसे ज़्यादा बात करना चाहते हैं उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन है। आप नोट करें कि पिछले साल से ले कर 10 सालों में मोटरसाइकिल कितना सेल हुआ है पाकिस्तान में। अब ये मोटरसाइकिल लोग चला रहे हैं, इसका मतलब है फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है। आपकी साइकिल की जगह मोटरसाइकिल ने रिप्लेस कर दी, आपके नलके की जगह आपकी मोटर घर की मोटर ने रिप्लेस कर दी, आपके पैदल चलने की आदत आपकी चिंगची वाले ने रिप्लेस कर दी, आपके घर की ख़वातीन का काम करने का स्टाइल वॉशिंग मशीन ने चेंज कर दिया, उनके घर के काम करने का काम वालियों ने, वैक्यूम क्लीनर्स ने और बहुत सारी चीज़ों ने आसान कर दिया। सो लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ डायबिटीज़ इन इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। तो ये सबसे बड़ा कॉज है कि हम काम नहीं करते। इसमें एक सोशल एलिमेंट आया है जो मोबाइल फ़ोन यूजेज है। आप देखेंगे जो लोग ज़्यादा टाइम मोबाइल फ़ोन पर स्पेंड करते हैं इट मीन्स वो फिज़िकली इनएक्टिव होते हैं। बिल्कुल, आज से 15-20 साल पीछे चले जाएं जब मोबाइल इरा नहीं था तो ग्राउंड्स बड़े होते थे। आप देखते थे शाम को लड़के ग्राउंड में जाते हैं, वो हॉकी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। वही बच्चे आजकल या वीडियो गेम्स पे हैं या मोबाइल गेम्स पे हैं। सो फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना, बहुत ज़्यादा खाना जंक फूड, जंक से मुराद ये है कि जिसमें फैट क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जब आप फैट क्वांटिटी या कार्ब्स ज़्यादा ले लेते हैं तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड जंक, बिकॉज इट इज़ नॉट गिविंग यू द न्यूट्रेंट्स। जो आपकी बॉडी को न्यूट्रेंट्स रिक्वायर्ड है वो नहीं दे रहा, इसलिए उसे जंक कहा जाता है। इससे वेट गेन भी हो रहा है। सो डुअल, ये दो तलवार होगी, ये दो धारी तलवार होगी। एक तो हमारी पॉपुलेशन काम नहीं कर रही और दूसरा खुराक बहुत ज़्यादा ले रही है। सो ओवरवेट प्लस लैक ऑफ एक्टिविटी, दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ डायबिटीज। नहीं सर, बिल्कुल आपने अवेयरनेस तो यहाँ से दे दी। अब मैं चाहूँगा कि मुख्तसर आप टाइप्स पे थोड़ी सी बात करें ताकि फिर हम आगे इसके सलूशन की तरफ आएं। डायबिटीज़ को हम मेनली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक टाइप 1 है, टाइप 2 है। बेसिकली टाइप 1 वो वाली डायबिटीज़ है जिसमें के मरीज को 40 साल से पहले पहले शुगर हो जाती है। नॉर्मली ये डेफिनेशन अब इम्प्लीमेंट नहीं हो रही क्योंकि अब हम इससे भी अर्ली एज में लोगों में देख रहे हैं। ज़्यादातर लोग जिनको यंग एज में या बचपन में शुगर होती है वो ऐसे लोग हैं जिनका पैंक्रियाज यानी लबलबा काम नहीं कर रहा, और अगर लबलबा काम नहीं करता तो इंसुलिन जो हार्मोन है वो नॉर्मल सिक्रीट नहीं हो रहा, और अगर नॉर्मल इंसुलिन नहीं है तो खून के अंदर ग्लूकोज को हज़म करने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इस ग्लूकोज के बढ़ने से बहुत ज़्यादा मसाइल पेशेंट को पेश आ सकते हैं। ये टाइप 1 के पेशेंट होते हैं, ये बहुत नौजवान होते हैं, यंग होते हैं, बिल्कुल आप समझें कि ये जैसे 8-10-11 साल के बच्चे होते हैं। कुछ लोग हैं जिनको 40 साल के बाद जाके शुगर होती है, दैट इज़ कॉल्ड टाइप 2। अच्छा, जीन्स का रोल टाइप 1 में होता है या टाइप 2 में होता है? देखिए, जेनेटिकली जो डिस्ट्रक्शन होती है पैंक्रियाज की वो टाइप 1 में, टाइप 1 सो जेनेटिकली ये ज़्यादा है। लेकिन टाइप 2 की एक खास जेनेटिक्स है। इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, यानी आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन मौजूद तो है लेकिन वो काम ठीक नहीं कर रही, और ये एक खास तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये वेट गेन या ओबेसिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने ये किताब लिखी ज़ियाबतीस और रमज़ान, इसमें आप एक डाइट प्लान भी बताते हैं, आप एक्सरसाइज के हवाले से भी बात करते हैं, बहुत सारी नई इंस्ट्रूमेंट्स का भी आपने जिक्र किया है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या एक जो एक कह लें कि डायबिटिक पेशेंट है वो रोज़ा रख सकता है? पहले तो ये कि बड़ा ये कॉमन क्वेश्चन है, मेरे पास पिछले सालों में बहुत सारे लोग क्लिनिक पे आते हैं और ये पूछते हैं कि क्या हम रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं। हर पेशेंट के लिए जवाब अलग होगा। मैंने 3 कैटेगरीज इसमें बनाई हैं, ग्रीन, येलो और रेड। जो ग्रीन पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं, जो येलो हैं वो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ अपने डॉक्टर की मर्जी के साथ और अंडर सुपरविजन रोज़ा रखेंगे, और रेड वाले वो हैं जो बिल्कुल नहीं रख सकते। आपके पहले सवाल का जवाब कि क्या डायबिटिक रोज़ा रख सकता है, जी अगर उनकी शुगर कंट्रोल है, अगर उनको कोई मसला नहीं है, उनके गुर्दे महफूज हैं, उनका दिल महफूज है, उनकी आंखें महफूज हैं, तो यकीनी तौर पर उन्हें रोज़ा रखना चाहिए और डॉक्टर्स को उनकी मदद करनी चाहिए। सर रेड में तो कार्डिक पेशेंट्स और इसके अलावा जो कोई ऐसी मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की
डिजीजेज हैं वो आ जाती हैं, लेकिन येलो और ग्रीन के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपको बताऊं, ग्रीन वो पेशेंट हैं जिनको अभी बिल्कुल लेटेस्ट डायबिटीज़ हुई है, जैसे अभी उन्हें शुरू हुई है, 1-2-3 साल हुए हैं, और वो ऐसी गोलियाँ खा रहे हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, इंसुलिन नहीं ले रहे, गोलियाँ खा रहे हैं, और वो वाली गोलियाँ जो अचानक से शुगर कम नहीं करती। हमारे पास मुख्तलिफ तरह की टैबलेट्स हैं, कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं जो शुगर को फ़ौरन कम करते हैं, कुछ हैं जो 12 घंटे 8 घंटे 10 घंटे लगाती हैं, स्लो रिलीजिंग है। तो जो लोग स्लो रिलीजिंग दवाइयां ले रहे हैं और शुगर अभी नई नई हुई है, उनके गुर्दे महफूज हैं, उनकी आंखें महफूज हैं, उनका दिल महफूज है, वो लोग ग्रीन लाइट में हैं। सो ग्रीन का मतलब सेफली दे कैन बिल्कुल रख सकते हैं। यस, जो येलो लाइट वाले हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इन दवाइयों पर कंट्रोल नहीं हो रहे थे, उनकी शुगर थोड़ी पुरानी हो गई, 8-10 साल हो गए, अब उनको एक दवाई के साथ दूसरी दवाई ऐड करनी पड़ गई है, हाई डोज पे हैं, और वो दवाई ऐसी है जो शुगर को फौरन कम कर सकती है। इनको हम अपनी लैंग्वेज में डिफरेंट नाम से पुकारते हैं, जो फौरन शुगर को कम करती हैं। ऐसी सूरत हाल में मरीज का रोजे के दरमियान शुगर कम होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट येलो लाइट में होते हैं। इनको हम क्लोज वॉच करते हैं, इनकी मॉनिटरिंग बड़ी क्लोज होती है, इनको हम शुगर को चेक करने की प्रॉपर डिटेल्स हमने इस बुक में बताई हैं, तो आप अकॉर्डिंगली चलते हैं। और ये फिजिशियन के लिए भी एक चैलेंज है और पेशेंट के लिए भी एक चैलेंज है, लेकिन चूंकि ये हमारा मजहबी फरीजा है, हम इसको फैसिलिटेट करने में लोगों का साथ देते हैं। तो वो येलो लाइट वाले पेशेंट हैं। येलो लाइट में एक और पेशेंट भी आते हैं, और वो हैं जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, ऐसी इंसुलिन जो दिन में सिर्फ एक दफ़ा लगानी पड़ती है, जिनका असर 24 घंटे तक या 48 घंटे तक रहता है। ऐसे लोग दिन में एक दफ़ा टीका लगाते हैं और ये बिल्कुल हेल्दी होते हैं, इनको कोई गुर्दों का मसला नहीं, इनको कोई कार्डिक कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट ऑफ नमनेस नहीं है, कोई आँखों का मसला नहीं है, इनको डिहाइड्रेशन का कोई इशू पहले नहीं हुआ। ऐसे लोग अपनी इंसुलिन जो दिन में एक टाइम लगा रहे हैं ये फास्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन दे विल बी अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजिलेंस ऑफ द डॉक्टर। तो आप अगर उनको सुपरवाइज अच्छे से करते हैं तो ये येलो लाइट के पेशेंट भी रमज़ान में सक्सेसफुली रमज़ान को कंटिन्यू कर सकते हैं। और रेड लाइट वाले ऑफ कोर्स वो पेशेंट है जो इंसुलिन पे हैं और दिन में 3 दफ़ा या 2 दफ़ा इंसुलिन लगाते हैं और उनका गुर्दों का कोई मसला है या उनको हार्ट का कोई इशू है या कोई और है, तो ऑफ कोर्स दे कैन नॉट फास्ट। सर, अब जो लोग डायबिटिक हैं लेकिन किसी सीवियर मसले में वो मुब्तला नहीं है, किसी हैवी डिजीज़ में वो नहीं है, वो जब रोज़ा रखेंगे तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा? वो अपनी सहरी को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इफ्तारी को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये आप थोड़ा सा बताएं। अली, अगेन मैं आपको एक बात बताऊं, एवरी इंडिविजुअल विद डायबिटीज़ इज़ डिफरेंट देन अदर। हर पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान, हर पेशेंट का डाइट प्लान हर अगेन से डिफरेंट होगा। आप किसी को एक स्टैंडर्डाइज प्लान नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें मैं बताना चाहूँगा। आपकी डायबिटीज़ का डायरेक्टली तलक आपके वेट के साथ है। अगर आप ओवरवेट है तो आपकी डाइट और है, और अगर आप नॉर्मल वेट के साथ है तो आपकी डाइट और है। तो ये तो पहला प्लान है। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपकी कैलोरीज कम हो जाएंगी, आप लो कैलोरिक डाइट लेंगे। तो अगर आपकी वेट नॉर्मल है तो आप नॉर्मल कैलोरीज। हमने रमज़ान के अंदर जो कैलोरिक चार्ट लोगों को प्रेजेंट किया है वो यंग मेल के लिए 1800 कैलोरीज हैं, फीमेल के लिए 1500 कैलोरीज है, अगर उनकी हाइट 5 फुट 5.5 फुट के करीब है, अगर उनकी 5.5 फुट से कम है तो फिर आप 1200 कैलोरीज पर डे पर जाएंगे। इन कैलोरीज़ को आपने पूरा करना है फुल डे के अंदर। इसके अंदर हमने डाइट चार्ट बना के बता दिया कि किस फूड में कितनी कैलोरीज़ हैं, आप उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली मेल ने 1800 से 1500 के दरमियान रहना है और फीमेल ने 1200 से 1500 के दरमियान रहना है। अब सहरी और अफ्तारी, ये दो मेजर मील्स होते हैं रमज़ान के दौरान। हमने ऐसी सहरी अपने पेशेंट को ऑफ़र करनी है जिसमें उससे बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ भी ना मिलें, लेकिन ऐसी कैलोरीज या ऐसी वो फैट्स ले जो लंबे अरसे तक डाइजेस्ट हों ताकि उसका दिन अच्छा गुजर जाए, उसको भूख ना लगे। नॉर्मली जो हमारे यहाँ पे रिवाज है वो रोटी और चावल का है, बिल्कुल पाकिस्तान के एशिया के इस एरिया में रोटी का जो स्टैंडर्ड साइज हम साइंस में लेते हैं वो 5 इंच की रोटी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पूरे तवे की रोटी मानी जाती है जो 10 इंच की रोटी होती है, इट इज़ डबल दैन द स्टैंडर्ड साइज। तो जब हम एक रोटी या दो रोटी की बात करेंगे तो स्टैंडर्डली दैट इज़ 5 इंच रोटी। तो मैं ये नाज़रीन के लिए क्लियर करता जाऊँ, तो नॉर्मली सहरी में आप 2 रोटियां लेंगे, अगर तो आपकी कैलोरीज नॉर्मल हैं, आप अपनी शुगर कंट्रोल को ले रहे हैं, तो फिर आप अल्टरनेट डे पे उसे किसी भी कैनोला ऑयल के साथ, किसी भी ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करके आप उसे थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेट डे पे, लेकिन डेली नहीं। उसके साथ आप सुबह कोई भी घर का बना हुआ सालन ले सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा घी तेल मक्खन ना हो, और साथ आप एक प्याली दही ले सकते हैं। इससे आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी जो आपके पूरे रोजे के लिए काफ़ी होगी और शुगर भी तंग नहीं करेगी। दूसरा, आपने उसको देखें,
पॉइंट ये है कि आपने शुगर लो भी नहीं होने देनी। अब असल चैलेंज जो यहाँ पे आएगा वो शुगर लो होने का आएगा, हमने उसको काउंटर करना है। तो आपने डाइट अच्छी देनी है सैरी में। अब डोज मॉडिफाई होगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आपने अगर इंसुलिन लेनी है तो कितनी लेनी है, अगर आप दवाई ले रहे हैं तो वो कितनी कम होगी इंडिविजुअली। दवाई के साथ आप सैरी करेंगे, सैरी में दो रोटियां आप ले सकते हैं 5 इंच की, घर का बना हुआ कोई भी सालन ले सकते हैं। अंडे में मेरी हमेशा अपने पेशेंट को ये रिक्वेस्ट होती है कि या तो वो ऑयल के साथ बनाएं, और अगर आपने अंडा खाना है तो आप बॉयल ले लें, ज़्यादा बेहतर है। उसमें आप जर्दी डिपेंड करता है रोज़ाना खा सकते हैं, यानी ये अगेन आपके कोलेस्ट्रॉल पर डिपेंड करता है। साथ आप जैतून का इस्तेमाल ज़रूर करें, 2 से 3 जैतून लें, और आप साथ दही का इस्तेमाल करें। चाय पाकिस्तान में एक नॉर्मल ट्रेंड है, हम डॉक्टर्स जो हैं वो चाय फ़ौरन खाने के बाद रिकमेंड नहीं करते, इसके और कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन अगर आपका ट्रेंड है, आप खाना चाहते हैं, आप चाय ले सकते हैं विदाउट शुगर। उसके बाद आपने पानी को कम से कम 2 से 2.5 ग्लास कोशिश ज़रूर करें कि सैरी में पी लें, लेकिन 2 ज़रूर पिए। देन यू विल फास्ट फॉर होल डे। यहाँ पे यानी कि थोड़ा टाइम पहले सैरी से खाना खा लें, उसके बाद कोई 5-10 मिनट का गैप दे के फिर आप जाहिर है कि 1-2 ग्लास पानी पी सकते हैं, फौरी तौर पर तो आप नहीं पी सकते। दूसरी बात यह है कि अब आपने सारा दिन गुजारना है, सारा दिन गुजारने का तरीका यह है कि आप जोहर तक अपनी एक्टिविटीज़ करते रहें, लेकिन जोहर से लेके मगरिब तक अगर आप डायबिटिक हैं तो डेफिनेटली आपकी शुगर लो होनी है, एक नेचुरल फिनोमेना है। यहाँ पे आप कोशिश करें कि अपनी जो इबादत हैं या जो जिक्र है, अजकार है, उसे मुख्तसर करके आराम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, रेस्ट करें उनसे। एग्जैक्टली, आप पंखे के नीचे रहें ताकि आपको पसीना ज़्यादा ना आए। आप आउटडोर अगर कोई काम करते हैं तो उसे इनडोर शिफ्ट कर लें। आप रेस्ट पे तवज्जो दें और कोशिश करें कि आप रोज़ा खुलने से 2 घंटे पहले अपनी शुगर ज़रूर चेक करें। देखें, पिन प्रिक से रोज़ा नहीं टूटता, ये मैंने बुक में लिख दिया और रेफरेंसेस के साथ लिखा है। पिन प्रिक से हमारे उलमा का इस पे एक जो है वो उनका कंसेंसस है कि पिन प्रिक से रोज़ा नहीं टूटता। अगर खून इतना ज़्यादा बह जाए जिसमें जान जाने का डर हो, फिर रोज़ा टूट जाता है। तो आप अपनी शुगर ज़रूर चेक करें, अगर वो कम है 70 से तो एटलीस्ट आपको फ़ौरन रोज़ा तोड़ देना चाहिए, अगर उससे ऊपर है तो ओके। फिर आप उसको पूरा करेंगे मगरिब तक, और जब मगरिब के बाद आप रोज़ा अफ्तार करेंगे तो फिर अफ्तारी की आ जाएगी कि क्या खाना है। सर, इसमें ये बताएं कि हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनमें से सबसे पहले किन चीज़ों को अवॉइड करें, ताकि वो आगे फिर ऐसा ना हो कि 1 रोज़ा या 2 रोज़े रख के फिर तीसरे से फिर वही मसला शुरू हो जाए। जी, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि अफ्तार में क्या करना चाहिए। अगेन, अफ्तार में आपने अपनी कैलोरीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने दिन में 1200 लेनी थी या 1500। सहरी की आपने पूरी कर ली, और अब आपने अफ्तारी में पूरी करनी है। रोज़ा खोलने के लिए मेरा मशवरा अपने पेशेंट्स को हमेशा ये होता है कि आप सिर्फ 1 खजूर से रोज़ा खोलें। जितनी शुगर आपकी उस टाइम लो हुई होती है, 1 खजूर खाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, सुन्नत भी पूरी हो जाएगी और सोर्स ऑफ एनर्जी, खजूर जो है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल वो आपको फ़ौरन बूस्ट कर देगा। मीठा कोई मशरूब इस्तेमाल ना करें, अच्छा, जामे शीरी या इस तरह के, सॉरी आई डोंट वांट टू नेम एनी प्रोडक्ट, आप जैसे मतलब जो मीठे मशरूब है उनको इस्तेमाल ना करें। उसकी बजाय आप घर में बना हुआ नींबू पानी जिसमें नमक कम हो, क्योंकि आप मोस्टली डायबिटिक्स आर हाइपरटेंसिव एज वेल, वो ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट होते हैं, शिकंजवी, उसमें भी आप शक्कर का इस्तेमाल जो है वो 1/3 करेंगे, 1/3, और वो 1 ग्लास लें, ज़्यादा ना लें, 1 ग्लास। उसके बाद आप सिंपली अपनी रोटी के साथ, सालन के साथ अपनी इफ्तार कर लें। अगर आपने अपनी इफ्तारी को मज़ेदार बनाना है तो आप फ्रूट चाट के 5 चम्मच, या आप जो ये जो चाट घर में बनी होती है उसके 5 चम्मच, मैं छोटे चम्मच की बात कर रहा हूँ। और अगर आपके घर में अफ्तारी में उस दिन पकोड़े या समोसे बने हैं जो घर के बने होंगे ऑयल में, वो आप छोटे साइज के 2 ले सकते हैं, क्योंकि आपकी कैलोरीज पूरी हो जाएगी। अफ्तारी आप यूं करेंगे, और फिर रात को 11 बजे आप एक मील लेंगे जिसको हम स्नैक कहते हैं। उस स्नैक में आप कोई भी 4 से 5 चम्मच की चीज़ लेंगे, एंड देन यू विल कंटिन्यू विद योर नॉर्मल डायबिटीज ड्रग्स जो आपकी दवाइयाँ होंगी। सर, मैं मतलब इसमें से यही समझाऊँ कि सारी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन एक तो ऑयल का थोड़ा सा आपने कॉन्शियस होना है, और दूसरा क्वांटिटी कम होनी चाहिए, क्वांटिटी भी कम होगी, मीठा जी मीठा बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि आप उन्हें मीठे मशरूब से बहुत ज़्यादा, आप बिल्कुल 1 ग्लास से ज़्यादा शिकंजवी भी ना लें, लेकिन मीठा मशरूब जो होता है जो लाल रंग वाले उनको ना इस्तेमाल करें। सही, ठीक हो गया। अच्छा सर, आपने अपनी इस किताब में एक इंस्ट्रूमेंट का जिक्र किया, SMGB। जी जी, वो एक लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है मेडिकल हिस्ट्री में, तो आप मुझे ये बताइएगा कि इसका क्या यूज़ है और इसका क्या बेनिफिट है। देखिए, SMBG इज सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। इसके आजकल जो नए मॉनिटर्स आए हुए हैं वो बेसिकली पहले अवेलेबल नहीं थे पाकिस्तान में। अब ये एक ख़ास किस्म का आला है जो पेशेंट की बॉडी के साथ हम फिक्स कर देते हैं, और वो 1 वीक के लिए, नॉर्मली 2 तरह के आले हैं, एक 1 वीक वाला है, एक 2 वीक वाला भी है।
तो 1 वीक के लिए जो आला हम उसके साथ लगा देते हैं वो परमानेंटली उसकी हर 5 मिनट के बाद शुगर की रिकॉर्डिंग करता रहता है, और वो आला आप ये समझें कि जैसे कोई फरिश्ते हमारे साथ बैठे हमें नोट करते रहते हैं, वो हमारी शुगर लिखता रहता है, और फिर उस शुगर का रिकॉर्ड हम ग्राफ की सूरत में, एक टेबल की सूरत में कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लेते हैं, और उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट की शुगर किस टाइम ज़्यादा हुई, किस टाइम कम हुई, और हमने उसके लिए क्या मेजरमेंट्स करनी है, खाने के बाद शुगर ज़्यादा होती है, खाने से पहले ज़्यादा होती है, पेशेंट को बार बार सुइयाँ नहीं लगानी पड़ेंगी, पेशेंट को बार बार प्रिक नहीं करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा, सबसे बड़ा, कई पेशेंट ऐसे होते हैं उनकी शुगर हाई होती है उन्हें पता नहीं चलता, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी शुगर लो हो जाती है और उन्हें पता नहीं चलता, ये बड़ा डेंजरस होता है। इस हाइपरग्लाइसीमिया को, इस हाइपोग्लाइसीमिया को बचाने के लिए ये आला हमारी मदद करता है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड ब्लेसिंग फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। सर आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि डायबिटीज़ पे आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपने ये बुक भी लिखी, इसके पीछे क्या विजन था, क्या आपने सोचा, क्या आप सिर्फ यही चाहते थे कि जो रमज़ान में ख़ासतौर पर लोग सोचते हैं कि हम रोज़ा रखें या ना रखें, या कोई और भी वजह थी इस बुक को लिखने के पीछे? बड़ा अच्छा सवाल है आपका अली, ये बेसिकली मेरी एक इमोशनल अटैचमेंट है, मेरी मदर के साथ ये मेरी मोहब्बत का एक सबूत है। बेसिकली मेरी मदर वाज अ डायबिटिक पेशेंट, और 2017 में जब वो एंजियोप्लास्टी के लिए म्यू हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं, तो उनकी एंजियोप्लास्टी होती है, उन्हें स्टेंट डलता है, तो उनके डॉक्टर डिस्चार्ज पे उन्हें कहते हैं कि अब आप रोज़ा नहीं रख सकती। तो आई हैव सीन द ग्रीफ ऑन हर फेस, जो तकलीफ़ मैंने उनके चेहरे पर उस टाइम देखी कि रमज़ान छूटने से, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं उस टाइम, एंड आई नोटिस्ड कि शी इज़ सैड फॉर दैट, एंड दैट टाइम आई डिसाइडेड कि आई विल मेक दिस अ हिस्ट्री, मैं एक तारीख लिखूंगा जो पाकिस्तान में शायद पहले किसी ने नहीं लिखी, कि हम एक गाइडलाइंस देंगे लोगों के लिए उर्दू में, ताकि हर पेशेंट जो डायबिटिक होगा उसे पता हो कि उसने कब रोज़ा रखना है और कब छोड़ना है, और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो अपना रमज़ान सक्सेसफुली दवाइयों के साथ कैसे गुजार सकता है। तो ये मेरा एक स्मॉल टोकन ऑफ लव है टुवर्ड्स माय मदर, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और मेरी इस काविश को मेरे लिए दुनिया और आखिरत की निजात का जरिया बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान रफ़ी साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि जो लोग जानना चाहते थे कि रमज़ान में वो अपनी शुगर को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, वो चाहे दवाइयों के ज़रिए हो या ख़ास तौर पर डाइट के ज़रिए और एक्सरसाइज के ज़रिए भी, क्योंकि अब वक्त कम था तो हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सके, लेकिन आप इनकी ये बुक पढ़ सकते हैं ज़ियाबतीस और रमज़ान, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस दुआ के साथ मैं इस इंटरव्यू को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम जितने भी शुगर के मरीज़ हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनको रोज़े रखने की भी तौफीक दे, और रमज़ान मुबारक।